नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एंड बी टीवी पर। इस समय की बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं आप सभी के लिए लेकर आए हैं इसी वीडियो में। एक एक करके सभी बड़ी खबरें दोस्तों जानेंगे आगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है आपसे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो लाल कलर के बटन को दबाकर पास ही बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट सामने निकल के आ रही है। पहली तिमाही की GDP -23.9%। रवीश बोले सावधान हो जाइए, अब तक अर्थव्यवस्था पर सिर्फ झूठ बोला जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, पहली तिमाही की GDP -23.9%। मोदी जी आपका कोई विकल्प नहीं है। GDP के आंकड़े सामने निकल के आ चुके हैं। भारत के किसी भी पीढ़ी ने ये आंकड़े नहीं देखे होंगे। 5 अगस्त को नए भारत के उदय होने के बाद इन आंकड़ों ने रंग में भंग डाल दिया है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही की GDP -23.9% आई है। सावधान हो जाएं, आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें, बल्कि अब यही ठीक रहेगा कि सुशांत सिंह राजपूत का ही कवरेज देखते रहें। यह बर्बादी की एक ऐसी सतह है जहां से आप अब बेरोजगारी के प्रश्नों पर विचार नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई। ढहती अर्थव्यवस्था में अंबानी अडानी ही तरक्की कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं। रवीश कुमार ने केंद्र सरकार पर साधा है निशाना। और ये बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामला, प्रशांत भूषण भरेंगे जुर्माना, पुनर्विचार याचिका दायर करने के भी दिए हैं संकेत। पूरी खबर दोस्तों आपको बताते चलें। कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी पाए गए मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने अपने मामले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण कहा है। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया है कि इसने कई लोगों को अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं पुनर्विचार याचिका दायर करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता हूं, उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार जुर्माना अदा करने का प्रस्ताव करता हूं। वकील प्रशांत भूषण ने कहा, मेरे ट्वीट सुप्रीम कोर्ट के निरादर के इरादे से नहीं किए गए थे, बल्कि उन्हें मैंने असली मुद्दों से विचलित होने पर अपना गुस्सा व्यक्त करने के इरादे से किया था। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और लगता है कि कई लोगों को अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई। इसी के साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। मोदी जी बच्चों की हाय मत लो, वरना अभी तो सिर्फ यूट्यूब पर डिसलाइक मिला है, फिर चुनाव में खटिया खड़ी हो जाएगी। पप्पू यादव की तरफ से दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, इस देश में IIT और नीट की परीक्षा को लेकर जोरों शोरों से चर्चा चल रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। छात्रों को कोविड के दौर में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बैठने के लिए कहा जा रहा है, जो कि सीधे तौर पर छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ है। वहीं छात्रों तथा उनके परिजनों द्वारा इस परीक्षा का लगातार विरोध किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार अपनी जीत पर अड़ी है। वहीं IIT और नीट की परीक्षा के आयोजन को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने छात्रों के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी बच्चों की हाय मत लो, नीट और JEE परीक्षा की डेट आगे बढ़ा दो, वरना शिक्षा माफिया से मिले माल के चक्कर में बहुत बुरा हाल हो जाएगा। छात्रों की जान से खेलोगे तो कुर्सी से हाथ धो बैठोगे। अभी सिर्फ यूट्यूब पर डिसलाइक मिला है, चुनाव में ये हाल रहा तो खटिया खड़ी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर दोस्तों जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों इस खबर पे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। देश भर की जेलों में बंद मुसलमानों की संख्या के खुलासे पर ओवैसी ने कहा, ये अन्याय का एक और सबूत। पूरी खबर जानते हैं दोस्तों। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि जेलों में मुस्लिम पुरुषों को पहले से ही बड़ी संख्या में रखा गया था, लेकिन अब उनकी संख्या और भी बढ़ गई है। दरअसल ओवैसी ने एक रिपोर्ट को शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा पेश किया गया है। इस खबर को शेयर करते हुए ओवैसी ने लिखा कि मुस्लिम पुरुषों को पहले से ही बड़ी संख्या में जेलों में रखा गया था, लेकिन अब उनकी संख्या इस रिकॉर्ड में और बढ़ गई है। आपको बताते चाहे दोस्तों, कानून की नजर में ये लोग निर्दोष हैं, लेकिन वे लोग अभी भी जेल में हैं। यह प्रणालीगत अन्याय का एक और प्रमाण है जिसका हम सामना कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, AIMIM प्रमुख देश भर के जेलों में बंद मुसलमानों की संख्या पर जोरदार तरीके से बोले हैं और कहा है कि ये अन्याय का एक और सबूत है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर जानते हैं। लद्दाख में झड़प को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर हमला, कुत्तों खिलौनों की बात कर ध्यान भटकाने से कुछ भी नहीं होगा,
रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई है। 29 और 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद सीमा पर स्थिति लगातार तनावपूर्ण है। रक्षा मंत्रालय की ओर से आई जानकारी के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के चीन के साथ नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि चीन LAC पर लगातार दुस्साहस कर रहा है और स्थिति को बदलने की कोशिश में है, लेकिन भाजपा सरकार वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, भारतीय नस्ल के कुत्ते और खिलौनों की बात कर आप ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन चीन से कैसे निपटना है इस पर ध्यान तो देना ही होगा। दोस्तों देख सकते हैं लद्दाख में पेंगोंग झील के निकट जो ये झड़प हुई है भारत और चीनी सैनिकों के बीच, इसको लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर यह जबरदस्त निशाना साधा है। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। चीन ने फिर किया भारतीय सैनिकों पर हमला, लाल आंखों वाले पीएम मोर को दाना खिलाने में है व्यस्त। पूरी खबर जानते हैं दोस्तों। देश के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और चीनी सेना की झड़प होने की जानकारी दी है। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर 30 अगस्त की रात चीन ने फिर से भारतीय सैनिकों को उकसाने का काम किया है। हालांकि 29 और 30 अगस्त को हुई झड़पों में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, न ही किसी तरह के नुकसान की खबर सामने निकल के आई है। इतना जरूर बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सेना के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर को दाना खिलाते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। कोरोना की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। चीन के उकसाने पर प्रधानमंत्री लाल आंखों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। चुनाव से पहले लाल आंखें दिखाने की बात करने वाले अब खामोश होकर चीन की नापाक हरकत पर तमाशा देख रहे हैं, और वहीं चीन का नाम लेने तक से डरते हैं। यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। अमेरिकी अखबार का एक और बड़ा खुलासा, फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड आंखी दास को एक बार फिर से कटघरे में किया है खड़ा। पूरी खबर जानते हैं दोस्तों। देश में फेसबुक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के मध्य जारी जुबानी जंग के बीच कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी पर लगातार आरोप लग रहे हैं। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की खबर में दावा किया गया है कि जब 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी, फेसबुक इंडिया की शीर्ष अधिकारी आंखी दास ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। दास ने चुनाव में कांग्रेस की हार को 30 साल की जमीनी काम के बाद देश को स्टेट सोशलिज्म से मुक्ति मिलने की बात की थी। खबर के मुताबिक फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड आंखी दास ने आंतरिक रूप से पिछले कई सालों में पोस्ट के माध्यम से सत्ताधारी दल बीजेपी का समर्थन किया है और कांग्रेस की उपेक्षा की है। वहीं इस तरह का बर्ताव दुनिया भर में फेसबुक की गैर पक्षपातपूर्ण रहने की प्रतिज्ञा के विपरीत है। खबर में दावा किया गया है कि आंखी दास ने 2014 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की जीत से एक दिन पहले उनके सोशल मीडिया कैंपेन को लेकर पोस्ट किया था। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर फेसबुक और मोदी की मिलीभगत को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल लगातार नए नए खुलासे करता जा रहा है, और मोदी सरकार लगातार घेरती जा रही है और विपक्ष के निशाने पर है। वहीं दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। खबर लखनऊ से निकल के आ रही है दोस्तों। सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज से आक्रोशित हुए अखिलेश, कहा यह खूनी हमला है। पूरी खबर जानते हैं। नीट और JEE परीक्षा को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। कोरोना महामारी के चलते नीट और JEE परीक्षा के विरोध में राजभवन जा रहे सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी हैं। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह लाठीचार्ज नहीं है बल्कि एक खूनी हमला है। आज देश में बाल बच्चों वाला हर परिवार चिंतित है। सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाले अकेले लोगों की मनमानी कब तक चलेगी। वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जिस प्रकार देश भर के परीक्षार्थियों ने अपनी नापसंदगी दर्ज कराकर अपना रोष दर्ज किया है, उसने साफ कर दिया कि चिंतित युवा और अभिभावक भी चाहते हैं कि सत्ताधारी अपना दम्भ त्याग कर परिवार वालों की मांग सुने। याद रहे पलटे हुए अंगूठे सत्ता भी पलट देते हैं। अब दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। सीमा विवाद, कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना, कहा देश की धरती पर चीनी घुसपैठ हो रही है, सरकार कहाँ है। पूरी खबर जानते हैं दोस्तों। कांग्रेस ने लद्दाख के पेंगोंग सो क्षेत्र में चीन की सेना के उकसावे वाले सैन्य अभियान को विफल किए जाने के बाद
कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी स्थिति से देश को अवगत कराना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी कर कहा, आए दिन भारत की संप्रभुता पर लगातार हमला हो रहा है, आए दिन हमारी सरजमी पर कब्जे का दुस्साहस हो रहा है और आए दिन देश की धरती पर चीनी घुसपैठ हो रही है, सरकार कहाँ है। सुरजेवाला ने आगे कहा कि भारतीय सेना निडर होकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है, लेकिन रक्षा मंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री लाल आंख कब दिखाएंगे? चीन को करारा जवाब कब दिया जाएगा? सुरजेवाला ने कहा कि हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पूरी स्थिति से देश को अवगत कराएं और साथ में यह भी बताएं कि चीन के कब्जे से भारतीय जमीन को कब मुक्त कराया जाएगा। गौरतलब है कि सेना ने बीते सोमवार को कहा कि भारतीय जवानों ने पेंगोंग सो क्षेत्र में 29 और 30 अगस्त की रात को यथास्थिति बदलने के चीन के पीएलए के उकसावे वाले सैन्य अभियान को विफल कर दिया है। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। कोविड-19 की गिरफ्त में फंसी योगी सरकार, 40% कैबिनेट मंत्री हुए कोरोना संक्रमित। जी हां दोस्तों, पूरी खबर जानते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले सिर्फ आम जनता में ही बड़े पैमाने पर सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में वीवीआईपी लोग भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। आलम यह है कि पिछले 5 महीने में योगी सरकार के 14 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 40% कैबिनेट मंत्रियों को कोरोना हो चुका है। मंत्रियों में ताजा नाम मोहसिन रजा का जुड़ा है, जो अल्पसंख्यक कल्याण में राज्य मंत्री हैं। वहीं आपको दोस्तों बताते चलें, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम के भी एक एक मंत्री कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं। और यहां पर जब वीवीआईपी लोग ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का हाल आप समझ सकते हैं। कोरोना संक्रमण किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार पैर फंसाते जा रहा है और योगी सरकार बेफिक्र है। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। मुंबई एयरपोर्ट की कमान अडानी समूह के हाथों में, 74% खरीदेगा हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट की कमान अब अडानी समूह के हाथों में होगी। अडानी समूह मुंबई एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। इस संबंध में समूह ने कहा कि मुंबई हवाई अड्डे में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए उसका करार हो गया है। इसके साथ ही समूह देश का सबसे बड़ा निजी हवाई अड्डा परिचालक हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, देश में लगातार प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण होता जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार रेलवे हो, बैंक हो, चाहे एयरपोर्ट हो, सभी को अडानी और अंबानी समूह के हाथों में देती जा रही है और निजीकरण करती जा रही है, जिसका विपक्षी पार्टियां और साथ ही भारत की जनता भी विरोध कर रही है। लेकिन मोदी सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों, लगातार प्राइवेटाइजेशन निजीकरण बढ़ता जा रहा है। अगर दोस्तों आप लोग भी निजीकरण का विरोध करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। तो दोस्तों यहां पर आज के ये सभी मुख्य समाचार, बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत